इधर राहुल गांधी ने महाकाल मंदिर पहुंचकर बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया था, जिस पर संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने हमला बोला है। राहुल गांधी के दर्शन करने पर उन्होंने कहा कि भ्रमित करने के लिए जनेऊ ना पहने राहुल। सावरकर जी बहुत पहले बोल गए थे, जब कांग्रेसियों को लगेगा हिंदुत्व का वर्चस्व बढ़ रहा है उस दिन सारे वामपंथी कोट के ऊपर जनेऊ पहन लेंगे। आगे उषा ठाकुर ने कहा कि अध्यात्म को राजनीति स्वार्थ नहीं बनाना चाहिए। जनेऊ को धारण की बात करते हैं, उस जनेऊ का महत्व, वो किस कंधे पहना जाता है, किन किन परिस्थितियों में कान पे चढ़ाया जाता है, वो तीनों धागे किस बात के द्योतक हैं, यदि इसकी जानकारी आपको नहीं है तो सिर्फ हिंदू समाज को भ्रमित करने के लिए आप जनेऊ मत पहनिए। ये तो हमारे श्रद्धेय सावरकर जी बहुत पहले ही कह गए कि जिस दिन वामपंथी और कांग्रेसियों को लगेगा कि इस देश में हिंदुत्व का वर्चस्व बढ़ रहा है उस दिन ये सारे वामपंथी कोट के ऊपर जनेऊ पहन लेंगे, और आज हम वो वातावरण देख रहे हैं। मेरी प्रार्थना इतनी है कि आध्यात्मिक कोई भी गतिविधि हम उसको राजनीतिक स्वार्थों की सिद्धि का माध्यम नहीं बनाएं।